Hi, welcome to my channel. Is video solve karenge question 1 to 15 from the exercise 6.4. Find the following products. Chaliye question number 1 start karte hain. 2a cube multiplied by 3a plus 5b. Yahan par ek monomial diya hua hai 2a cube and ek binomial diya hua hai 3a plus 5b. To jab bhi ek monomial se multiply karte hain ek binomial mein, to aap is monomial term ko dono mein distribute karte hain multiply karke. ठीक है, मतलब कि 2a क्यूब से आप 3a में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5b में. ठीक है, साइन को कंसीडर करते हुए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं वन आफ्टर द अदर. तो 2a क्यूब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3a में प्लस, देखिए यहाँ प्लस साइन है और ये प्लस साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही मिलेगा. यहाँ पर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 2 3 6 a क्यूब इंटू a. तो पावर्स को ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइक वेरिएबल्स हैं, तो ए टू द पावर 3 + 1 = 4 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कॉन्स्टेंट्स को, तो 5 + 10 ए क्यूब बी. यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं सो ए क्यूब इंटू बी कर देंगे, केवल एज इट इज एक साथ रख देंगे. ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, माइनस 11a इन ब्रैकेट 3a प्लस 2b. तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. एक बार ध्यान रखिएगा, जब माइनस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2b में, तो देखिए निगेटिव और प्लस है यहाँ पर, मतलब कि दोनों अनलाइक साइंस हैं, दोनों अनलाइक साइंस के फैक्टर्स हैं, देयर फोर इनका साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, मतलब माइनस रहेगा. ठीक है, माइनस साइन रहेगा और 11a इंटू 2b यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए. देखिए माइनस और प्लस है तो माइनस ही रहेगा. 11 3 = 33, पहले आप हमेशा कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स देखते हैं कि लाइक है कि नहीं. तो यहाँ पर देखिए ए इंटू ए है तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 11 × 2 = 22 हो जाएगा और ए इंटू बी मीन्स ए बी. दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 2. नाउ द थर्ड वन, माइनस 5a मल्टीप्लाई बाई 7a माइनस 2b. तो यहाँ पर तो प्लस साइन है तो माइनस 5a इंटू 7a लिख दिया आप, लेकिन यहाँ पर देखिए निगेटिव साइन है तो निगेटिव और निगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सो यहाँ प्लस रहेगा साइन एंड 5a इंटू 2b. जब आप साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब साइन को लिखने की जरूरत नहीं होती है, केवल नंबर्स को लिख दीजिए, लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स मिलाकर के जो बना होता है नंबर, मतलब टर्म्स को लिख दीजिए, 5a इंटू 2b आपको मिल जाएगा. यहाँ मल्टीप्लाई करिए, देखिए माइनस यहाँ पर है ऑलरेडी, माइनस रहेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 7 = 35, a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस 5 2 = 10 और a इंटू बी हो जाएगा ए बी. दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, माइनस 11y² इन ब्रैकेट 3y + 7. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप तो आपका हो जाएगा माइनस 11y² मल्टीप्लाइड बाई 3y, लेकिन जब दूसरे में करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे साइंस को पहले, तो माइनस यहाँ पर है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है. सो 11y² मल्टीप्लाइड बाई 7, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो मिलेगा आपको माइनस 33, माइनस 33 एंड वाई स्क्वायर एंड वाई इज वाई क्यूब, माइनस 11 7 = 77 होता है. तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, इसीलिए माइनस होगा यहाँ पर, एंड वाई स्क्वायर तो केवल वाई स्क्वायर ही रहेगा. दैट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 4. नाउ क्वेश्चन 5, 6x + 5 मल्टीप्लाइड बाई x³ + y³ प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वाई क्यूब में भी, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, तो x³ / 1 यहाँ रख सकते हैं. ठीक है, जैसे हम नंबर्स में रखते हैं समथिंग अपान 1, वैसे ही जैसे 2 रहता है तो आप कहते हैं 2/1, वैसे ही वेरिएबल्स में भी, लिटरल्स में भी हम ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, तो अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6x × x³ ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इज x⁴ होल अपान, यहाँ पर 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा, सो देयरफॉर 5 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 6x × y³ / 5. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 5. नाउ द 6th वन, xy × x³ - y³. तो यहाँ भी एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, xy × x³ - xy × y³. तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स केवल x इक्वल हैं, तो x का पावर यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ 1 है x का पावर, यहाँ पे 3 है, एंड y का यहाँ वेरिएबल नहीं है, देयर फोर x² + 4y हो जाएगा माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए x तो x ही रहेगा और y यहाँ पर वेरिएबल सेम है, सो पावर्स को हम ऐड कर देंगे तो x² = 4,
सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन सिक्स. नाउ क्वेश्चन सेवन, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 वाई. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 × 1 करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन डेसिमल दो प्लेसेस यहाँ पर मिल गया हमें, तो 0.01 आपका आंसर होगा. सो 0.01 केवल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो और y इंटू एक्स टू दावर 5, तो ये हो जाएगा x टू दावर 5 y, ठीक है. प्लस यहाँ पर देखिए नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 × 0.1, तो आपका 0.01 है. यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएबल और कोई नहीं है, केवल y है, तो यहाँ पे लिख देंगे y. अच्छा, यहाँ पर y स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने y छोड़ा हुआ है, तो ये y रहेगा. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन 8, -714 दिस मच मल्टीप्लाइड बाई दिस मच. देखिए यहाँ पर मोनोमियल राइट साइड में दिया हुआ है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है. राइट साइड में दिया हो या लेफ्ट साइड में दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मींस इधर से मोनोमियल को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, फिर इस वाले में करेंगे, ठीक है. तो पहले पहले हम करेंगे फर्स्ट वाले में. ओके, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लिया -50a² b² c² से. फिर माइनस, देखिए यहाँ पर सेकेंड में करते समय यहाँ पर साइन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आसान हो जाता है. देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +6/25. यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने साइन को मल्टीप्लाई कर लिया है सेकेंड टर्म में, देयरफॉर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है और यहाँ पर साइन हमने यूज नहीं किया है, ठीक है. तो हमेशा दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते समय आप साइन को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आसान लगेगा, ठीक है. यहाँ पर देखिए यदि आप कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो आप कर सकते हैं 2 × 4 और ये कटाएंगे तो मिलेगा 25 -25. सो यहाँ मिलेगा प्लस 175/2 और पावर्स को ऐड कर लेंगे सिमिलर वेरिएबल्स के पावर्स को और लिख देंगे, तो 8 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है. प्लस यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा है, 6 × 12 और a² a² a^4 b² का कोई टर्म नहीं है, सो b² c² c² c^4. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 8. नाउ क्वेश्चन 9, देखिए सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिल जाएगा एंड 8/27. देखिए सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करते समय हमने साइन का यूज किया है, इसीलिए यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर हमने साइन का यूज नहीं किया है, ठीक है. तो सेकेंड टर्म में एक्चुअली आप यदि साइन का यूज कर लेंगे तो बहुत आसान रहेगा, अच्छा रहेगा शॉर्टकट में, ठीक है. अब यहाँ पर हम फैक्टर्स को देखेंगे, क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, फैक्टर्स उनको कैंसिल आउट कर लेंगे. देखिए 2 × 2 और यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 4 = 8. केवल आप न्यूमेरिकल वैल्यू को ही कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको यही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है. 3 × 3 और यहाँ हो जाएगा 3 × 9 = 20. सो आपको मिल जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद. देखिए माइनस यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 × 1 = 4 ही रहेगा, तो -4/ नीचे 9 × 1 = 9 ही मिलेगा आपको कांस्टेंट. और वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड कर लेंगे तो x × x हो जाएगा x², y × y इज y², z × z² इज z³, प्लस 8/27 है यहाँ पर और यहाँ पे इतना है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है. यहाँ पर देखिए 9 × 9 एंड 9 × 3 = 27. सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 2 × 1 = 2 ही रहेगा, 2/3 × 1 = 3. वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड कर लेंगे तो x² हो जाएगा 2 यहाँ पर. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, नाउ सी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करते समय साइन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं होता, तो फर्स्ट वाले को हम ऐसे रख देंगे -4/27. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि फर्स्ट टर्म में भी यहाँ पर निगेटिव दिया हुआ है तब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा साइंस का, ठीक है. तो यहाँ इतना हो गया माइनस, देखिए माइनस और प्लस हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में सेकेंड टर्म में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब साइंस का यूज नहीं करेंगे. 4/27 xyz, जी या जेड बोलिए जो भी बोलिए आप, 3/4 xyz². ओके, नाउ अब यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स होंगे हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 4, 9 × 9 = 9, 9 × 3 = 27. 2 × 2 यहाँ मिलेगा 2 − 2/3 × 1 = 3 ही मिलेगा, -2/3, x² = x³. सो यहाँ पर देखिए प्लस साइन है, बिल्कुल ही प्लस रहेगा. देखिए अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 × 4, यहाँ भी 4 × 4, नाउ 3 × 3 एंड 3 × 9 = 27. सो मिलेगा हमें 1/9 एक्चुअली, क्योंकि 1 × 1 = 1 ही रहेगा. यहाँ x जो वेरिएबल्स पावर्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे x × x = x². सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 1.5x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में.
मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो अब यहाँ पर डेसिमल हम हटा लेते हैं पहले, तो मिलेगा आपको 15x। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमेटर में कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ भी कैंसिल आउट होने लायक नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो 15 ही रहेगा नंबर्स में। एंड एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर इंटू वाई, माइनस यहाँ पर देखिए माइनस 15 इंटू 1 ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इनिशियली 10 है, तो 150 हो जाएगा, माइनस 150। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 4.1xy इन ब्रैकेट 1.1x माइनस वाई। तो यहाँ पर भी डेसिमल हटा करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमने साइन को पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो ये नेगेटिव यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगा, 41 इंटू 11, ये हो जाएगा आपका 154 अपॉन 100 और यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस, यहाँ पर तो कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इसको डायरेक्टली वैसे लिखिए 41 अपॉन 10, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं चाहें तो, इसको आप डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो मिलेगा आपको 100 डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर मिलेगा 4.51 स्क्वायर वाई माइनस 4.1 एक्स वाई स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर 12। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो आपको मिलेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आपका केवल यही रहेगा 250.5। केवल वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x इंटू एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करिए, देखिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल एक पोजीशन लेफ्ट में चला आएगा, मीन्स मिल जाएगा आपको 25.5। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 13। नाउ क्वेश्चन 14, हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 7/5 एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ तो कुछ कॉमन होगा तो कैंसिल आउट कर लेंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं हो सकता, 5/5 प्लस 7/2 = 14, 5/5 = 25। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 14। नाउ क्वेश्चन 15, जो मोनोमियल टर्म है इसको हम तीनों मल्टीप्लाई करेंगे 1/1। तो पहले वाले में करेंगे तो यहाँ दोनों का साइन प्लस है तो कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा, 4/3 ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, देखिए आप दूसरे वाले टर्म में प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा, 4/3 ए मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, आफ्टर दैट ये मिलेगा 4/3 ए मल्टीप्लाइड बाई 3c स्क्वायर। हमने यहाँ साइन से मल्टीप्लाई कर लिया था ऑलरेडी, इसीलिए हम यहाँ पे 3c स्क्वायर का साइन निगेटिव नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर वो साइन आ चुका है। सो अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर नहीं है तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4/3 ए क्यूब यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4/3 ए बी स्क्वायर माइनस, देखिए 3/3 एंड 3/3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा आपको माइनस 4ac स्क्वायर। तो होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक मोनोमियल को बाइनोमियल से या ट्राइनोमियल से, ओके। तो इस वीडियो, यदि ये वीडियो आपके लिए बेहतर है, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, आप इसको शेयर कर सकते हैं, एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।